only want good vibes around me tonight. No negativity in my life, just good vibes, that's what I like. So I don't need you waiting on my... Welcome back to my channel, Back to Be Chick, and today I'm gonna share with you all a really interesting DIY which I am like 90% sure ki kisi ne nahi dekha hoga. So this is like my own creation. Maine bhi ye kahin se nahi dekha hai. This is like my creation and my mother's creation. It's a mix of both of us. So yeah, let's get straight into the video first, then I will explain what I did and whole story of it. So yeah, what is it? So जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले राइस वाटर वाली वीडियो डाली थी, राइस वाटर चैलेंज वाली, यहाँ पे लिंक है, जाके देख लेना. सो वॉट नाउ माई कंफ्यूजन वॉज कि जब दो दिन हो गए तो अब उन चावलों को हम खाएंगे थोड़ी, मतलब वैसे खा सकते थे, बट स्टिल आई थॉट कि मम्मी अब इसका क्या करूं. तो मम्मा एज यूजुअल लाइक वेरी कैजुअली शी सेड कि इसको मिक्सी में पीस के देख. सो आई थॉट येस दैट्स अ गुड आइडिया. एंड लाइक क्योंकि वो सोक्ड थे ना, अगर आप नॉर्मल राइस को मिक्सी में घुमाओगे तो एक पाउडर बन जाएगा जिसको आप मुंह पे नहीं लगा सकते. ऑफकोर्स अगर तुम्हें एक ब्राइट और ग्लो और लाइक मतलब एक होता है ना, तो कभी कभी लगता है कि स्किन यार गंदी लग रही है, मतलब गंदी हो गई है, डल हो गई है, ग्लो चला गया है, कभी कभी ऐसे लगता है. देखो मैं ऐसी लड़की हूँ जो DIYs लाइक बहुत नहीं करती है, बट वेन आई डू इट द वंस लाइक विच हैव सूटेड एंड विच विल शो द रिजल्ट इन लाइक वन और टू यूजेस इटसेल्फ. सो आई एम गोना नाउ ब्रेक द लाइक थिंग एंड आई एम गोना शेयर विद यू ऑल द होल प्रोसेस. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक द सोक ड्राइज एंड लाइक उसको मिक्सी में चला दो, तो उसका ऐसा कुछ कंसिस्टेंसी बन जाएगा स्क्रब टाइप का जो बाहर मार्केट में मिलता है वैसा स्क्रब. अब बहुत ज्यादा चलाना मिक्सी, मैं बोलूंगी लाइक नॉट बहुत ज्यादा, थोड़ा चलाना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अगर चावल के पार्टिकल वैसे के वैसे रह गए ना, लाइक सिर्फ बीच में से कट हुए और इतना अच्छे से बारीक नहीं हुए, आई डोंट नो व्हाट लाइक माइन्यूट नहीं हुए, तो दे विल लाइक बी हार्श टू योर स्किन द वेरी फर्स्ट रीजन एंड दैट आई डू नॉट वॉन्ट. ऑल्सो एक पैच टेस्ट जरूर कर लेना, ऐसे ही मुंह पे मत लगा लेना जो मैं कह रही हूँ, मेरी स्किन को सूट किया, आई डोंट नो आपकी को करेगा कि नहीं करेगा, बट माइंड इज लाइक ड्राई एंड सेंसिटिव, तो मेरी को कर गया तो मोस्ट ऑफ ही सबको कर ही जाएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट इट, अब इसके एप्लीकेशन कैसे है. पहली चीज देखो, स्क्रब में एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. एड हनी टू इट एंड देन मिक्स इट वेल, ठीक है. कितना हनी, दो चम्मच चावल थे तो आई जस्ट लाइक मैंने एक बार उसको वो किया था, स्क्वीश किया था हनी की बॉटल को. नाउ आई डोंट इवन नो कि वो हाफ स्पून था कि 1/4 था, आई डोंट रिमेम्बर. आप देख लो वीडियो में, आपको जितना समझ आ रहा है उतना डाल लेना, बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है, ठीक है, नहीं तो बहुत चिपचिपा हो जाएगा. सो यार, नाउ मिक्स इट वेल विद योर ब्रश और योर स्पून वट एवर, एंड फिर उसको अपने मुंह पे पहले वट आई डू इज apply it as a mask on your face, ठीक है, like I'm doing here, with the brush apply it onto your face, आराम से even layer एक apply कर लो अपने पूरे मुंह पे, and then wait for like 15 to 20 minutes, आराम से लगे रहने दो. Now, अगर आप इतने टाइम बाद कुछ DIY कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 15 से 20 मिनट उसको पहले तो लगे रहने दो, ठीक है, ये मत जल्दी मत करो कि चलो 10 मिनट हो गए उतार दो, नो, कि लेट इट बी फॉर लाइक लेट इट सिट फॉर 15 टू 20 मिनट, सूख के उसको अच्छे से उसमें लाइक सोक इन होने दो आपकी स्किन में, ठीक है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जल्दी से सुखाना नहीं है कि पंखे के सामने बैठ गए लो जी सूख गया, नो, आराम से उसको अपने अपने हिसाब से सूखने दो, दैट विल लाइक एनहांस द इफेक्ट इट्स गोना लाइक शो, ठीक है. नाउ आराम से सूखने देने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा, एंड आई नो आई एम लुकिंग वेरी फनी, सो लेट्स इग्नोर इट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फेस्ट मास्क तो हो गया 15-20 मिनट, अब हमें क्या करना है, अब आपको पानी लेके अपने मुंह पे ऐसे ऐसे पैट करना है, ठीक है. यू डोंट हैव टू वॉश इट, नो, यू हैव टू पैट इट ऑन योर फेस, ठीक है, और उसके बाद यू हैव टू जेंटली स्क्रब योर स्किन, लाइक देख रहे हो इतना जेंटली स्क्रब करना है. एंड देन आफ्टर लाइक स्क्रबिंग फॉर अ मिनट और लाइक एक मिनट से ज्यादा भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, इट्स अ DIY, इट वॉन्ट लाइक हार्म योर स्किन, लेकिन फिर भी मैं पहले ही बोल रही हूँ पैच टेस्ट कर लेना, यहाँ अपने कान के पीछे या फिर अपने हाथ पे, मुझे भरोसा नहीं होता, आई डू पैच टेस्ट हियर ओनली क्योंकि ये स्किन मतलब मुंह के करीब है, व्हाट अ स्टूपिड रीजन, बट हाँ जो भी है चलो ठीक है. नाउ पैच टेस्ट कर लेना, द मेन पॉइंट वॉज दैट. सो हाँ, अब स्क्रब करने के बाद 1-1.5 मिनट, उसके बाद आप अपना मुंह धो सकते हो, और जब आप धोगे यू विल गेट दिस लाइक ग्लो ऑन योर फेस एंड योर फेस विल लुक ब्राइटन एंड लाइक बहुत अच्छा लगेगा आपको, आई कैन गारंटी यू. क्यों? क्योंकि चावल इज समथिंग विच गिव यू अ ग्लो, अ ब्राइटन्ड इफेक्ट. और कोरियन स्किन केयर में भी राइस इज लाइक मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द स्किन केयर, बिकॉज लाइक राइस ब्राइटन्स अप, ग्लोज अप एंड लाइक क्लियर्स आउट योर स्किन.
ये है ही उसलिए, ठीक है, एक तो खाने के लिए है और एक स्किन के लिए है, तो आप यूज करके देखो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसा लगा। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल द DIY स्क्रब स्लैश फेस मास्क विच इज सो डैम यूजफुल गाइज। आप एक बार यूज करके देखो एंड देन यू विल लाइक कम बैक इन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट डाउन बिलो। ऑलराइट, सो या what I was saying was like कर देना, share कर देना, comment कर देना, and yeah, one last thing, follow me on my Instagram and username is here, there is this profile, and मिलते हैं next video में।